सबसे पहले मेरी तरफ से सबको नमस्कार और करवा चौथ की ढेर सारी विशेज हैं और बहुत अच्छा लग रहा है मानविंदर जी ने इस फिल्म में अप्रोच किया है। हम इस फिल्म को साइन करने से पहले एक चीज़ बताऊंगी, मैं उड़ल उड़निया प्यार में फिल्म कर रही थी, मुहूर्त करने अटेंड करने आई थी, तो मानविंदर जी का बहुत शुक्रगुजार हूँ मैं कि इन्होंने इस फिल्म में मुझे कास्ट किया ऑन द वे ऑन द स्पॉट। तो इस फिल्म का कॉन्सेप्ट मैंने सुना तो बहुत ही डिफरेंट है, बहुत ही अच्छा है। सबसे पहली बड़ी बात तो ये कि आज की जो जनरेशन है, हमारे पास व्हाट्सअप है, फेसबुक पे, ऑलमोस्ट सारे ऐसे सोशल साइट्स हैं जिससे हम कांटेक्ट कर सकते हैं, लेकिन ये ऐसा सब्जेक्ट है भोजपुरी मूवी का सबसे डिफरेंट है। मैं पोस्टपोन नहीं करना चाहूँगी, कुछ हमारे प्रोड्यूसर्स के कुछ नियम कानून होते हैं, तोड़ना नहीं चाहूँगी। बहुत ही अच्छी स्टोरी है और अच्छी स्टोरी के साथ आ रहे हैं। अब तक का जो भी मैंने करेक्टर किया है, जितना भी मैंने मतलब रोल्स किए हैं एज एन हीरोइन, सबसे डिफरेंट ये मेरा होगा और कोशिश करूँगी अच्छा हो। और एक और इसमें विशेष बात ये है कि इस फिल्म में हमारे विलन, जिनके साथ मेरी ये तीसरी मूवी है, जिनके साथ मैंने लाल किया था एज एन हीरोइन, फिर उसके बाद अभी उड़ल उड़निया प्यार में किया, देन ये अब लव लेटर कर रही हूँ, बहुत ही अच्छी कॉन्सेप्ट के साथ। सबसे बड़ी चीज़ है कि मतलब जितने भी मेरी टीम के मेम्बर्स हैं ऑलमोस्ट सब बहुत कोऑपरेटिव हैं, और सबसे ज़्यादा कोऑपरेटिव तो मेरे डायरेक्टर प्रोड्यूसर्स, जिसकी स्टोरी और जिसका सारा होता है कि इतना कुछ करके एक इतनी अच्छी मूवी बनाते हैं, आसान बात नहीं है मूवी बनाना। और हमारे विलन भी बहुत अच्छे हैं, बहुत कोऑपरेट करते हैं, डांटते भी हैं, प्यार भी करते हैं। तो यही कहना है कि मूवी बहुत अच्छी है, कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा है, तो बैक टू बैक ऐसे करते रहेंगे। और ढेर सारे विशेज मैं चाहूँगी हमारे जितने भी दर्शक हैं हमको देख रहे हैं चैनल के जरिए, जिस भी चैनल से जाता है ETC, मैं एक इंडिविजुअल किसी का नाम नहीं लूँगी, तो आप लोग ऐसे अपना आशीर्वाद और प्यार दीजिए। और एक और चीज़ खास बात बताना भूल गई, सो सॉरी, कि हमारे फिल्म के म्यूज़िक डायरेक्टर मुन्ना दुबे जी बहुत ही मतलब क्या बताऊँ मैं, बहुत ही डिफरेंट म्यूजिशियन है। अब तक में उन्होंने जितने भी सुना है मैंने, जितने भी उनका काम, सबसे डिफरेंट रहा है, सबसे अलग रहा है। भोजपुरी में ऑलमोस्ट बहुत बड़े बड़े हस्ती हैं, लेकिन आने वाले टाइम पे इनका अव्वल नंबर में नाम आने वाला है जो कि डिफरेंट है। और एक और ख़ास बात कि मैं भी इस फिल्म में एक सॉन्ग गाई हूँ, गाई नहीं मतलब गाने जा रही हूँ, तो ऐसे ही कंटिन्यू कर रही हूँ, ढेर सारा प्यार मिल रहा है और मिलते रहे, यही विशेज है मेरी। आप सिंगर भी हैं, एक्ट्रेस भी हैं, तो दो लाइन सुना भी दीजिए। दो लाइन सुना, बहुत बढ़िया, बस क्या बात है राम जी, बहुत बढ़िया, राम जी को भी धन्यवाद। चढ़ल बेसरम जवानी जवानी जो बन से ओढ़नी सरकता, ये मेरा अभी लेटेस्ट आया है TF कंपनी से और बहुत ही प्यारा गाना है, एक लाइन और सुनाना चाहूँगी। चढ़ल बेसरम जवानी जवानी जो बन से ओढ़नी सरकता, रही रही के आवे अंगड़ाई रही रही के आवे अंगड़ाई, टूट जाला समीज के सिलाई रही रही के दिलवा धड़कता हा धड़कता जो बन से ओढ़नी सरकता। थैंक यू सो मच। क्या बात है, क्या बात है, बहुत अच्छी आवाज़ श्रुति जी की, बहुत बढ़िया, ये आपकी अच्छी आवाज़ है, धन्यवाद। थैंक यू सो मच। डिस्कवरी फिल्म इंटरनेशनल हमारा बैनर है, हमारी कंपनी है, और ये उस बैनर की तीसरी फिल्म है। पहली फिल्म भाग डार्लिंग भाग हिंदी, उससे उसके बाद हम किसी से कम नहीं भोजपुरी प्रमोद प्रेमी को लेकर बनाया, अब ये तीसरा हमारा लव लेटर। समर सिंह है इसमें हीरोइन, अभी श्रुति राव है, एक हीरोइन और भी है उसमें जो अभी हम सेलेक्ट नहीं कर पाए। गिरीश जी इसमें एज ए विलन इनके फादर का रोल करेंगे, जो अंत में इनको गोली से उड़ा देंगे, मार देंगे। दो बार पापा बन चुके हैं मेरे, ये दो बार मेरे पेरेंट्स ने पापा बन चुके हैं। दर्शकों को बता दूं कि एक बार ये मेरे खूनखार विलन बने हुए थे जिन्होंने बहुत कुछ किया लाल में, अब ये दो फिल्म से मेरे पापा ही बन रहे हैं। विलन की ही बेटी बनती है, इनको यह सौभाग्य प्राप्त है। ये फिल्म मानिंदर जी की नहीं है, हम सब लोगों की है, भले हम इसमें काम करें या ना करें, बिकॉज पीछे जो हम लोगों ने फिल्म की उसके मोस्टली कलाकार इसमें हैं, जो इसकी शूटिंग दिल्ली में लोग कर रहे हैं। और मैं चाहता हूं कि मानिंदर जी की ये फिल्म लव लेटर और इसके बाद और भी फिल्में बनते रहे, इसके लिए ढेर ढेर सारी बधाई हमारे डायरेक्टर मानिंदर जी, हमारे राइटर संजीव, मेन विलेन गिरीश जी जो हमारे फिल्म में थे,
और हमारे हीरोइन प्यारी हीरोइन श्रुति राव जो एक सिंगर भी हैं, इन सब को ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं और चाहता हूं कि हफ्ते हफ्ते 10 हफ्ते 20 हफ्ते तक फिल्म चलते रहे। थैंक यू सो मच। धन्यवाद। परिचय के साथ मैं विंग कमांडर आलोक सहाय हूं। मैं दो फिल्में प्रोड्यूस कर रहा हूं हिंदी की और कुछ टीवी सीरीज हैं, कुछ वेब सीरीज़ हैं। यहाँ मैं आया हूँ, हालांकि कॉमर्शियली इस फिल्म से नहीं जुड़ा हूँ, लेकिन मामेंद्र जी का व्यवहार मुझे यहाँ खींच के लाया है। बहुत ही अच्छे इंसान हैं और मैं अच्छे इंसान की हमेशा कद्र करता हूँ। बिना किसी जुड़ाव के भी मैं यहाँ आया हूँ अपनी शुभकामनाएं देने के लिए। और गिरीश जी हमारे पिलर हैं, हमारे बहुत सारे प्रोजेक्ट में सब कुछ यही देख रहे हैं। और इनको, श्रुति जी को भी मैंने देखा, पिछली बार भी मैं आया था एक फिल्म के उद्घाटन में, तो उसमें भी पासवान जी की फिल्म थी और उसमें भी हीरोइन यही थी। तो मेरी शुभकामनाएं हैं, मैं शुभकामनाएं देने आया हूँ। ऑल द बेस्ट एंड आई रियली विश द वेरी बेस्ट एंड फॉर द गुड सक्सेस ऑफ द मूवी। थैंक यू। अच्छा, एक चीज़ और जो ख़ास बात है जिस मौके पर हम आए हैं उस पर बात होनी चाहिए, ख़ासतौर से फिल्म का म्यूज़िक जो हमारे छोटे भाई जैसा मुन्ना दुबे, बहुत पुराना ताल्लुक है। आज गाना सुना तो मैं दीवाना हो गया और मैं जब ट्यून सुन रहा था तो मैं बोला यार अगली फिल्म में तो मुन्ना दुबे ही होना चाहिए। वाह, क्या बात है, तो मैं पार्टी तो बनती है, आज मेरी पार्टी बनती है, तो मैं काट दूंगा तहे दिल से। तहे दिल से मुन्ना दुबे को मैं शुक्रिया देना चाहता हूँ कि हमारी जो ऑडियंस है, भोजपुरी की ऑडियंस, सोच बदल रहे, ख्याल बदल रहा है, उसी तरह से हमारा म्यूज़िक भी बदल रहा है जो आज मुझे देखने को मिला लव लेटर में। इसके लिए ढेरों ढेरों शुभकामनाएँ, बधाइयाँ। थैंक यू सो मच।